Hello and welcome to Business Naughties. I am Nilang Shude and it's an honor to be here today at Unity One Dance Studio. Unity One, a dance crew from Assam, will be representing India at the World Hip Hop Dance Championship, taking place on the 3rd of August in Phoenix, Arizona, USA. Join me as we delve into valuable insights from the crew. I'll ask something about the history of Unity One crew. So yeah, first of all, we established ourselves on 2015. So it's almost 9 years we have been struggling for this championship, right? And 2015 से ही हम लोग का dream एक ही था कि हम लोग जाके इंडिया को represent करें world championship में. उसके बाद हम लोगों ने बहुत बार try किया जाने का, ऐसा नहीं है नहीं किया, बहुत बार try किया, but हो नहीं पाया. कभी कभी financial issue का वजह से और कभी कभी visa को पता है US visa it's too tough. सो हम लोगों ने 2018 में हम लोगों ने गोल्ड जीता था असम के लिए. वो मतलब इंडियन क्वालिफायर्स में जीता था, इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप. तभी हम लोगों ने ट्राई किया था यूएस में रिप्रेजेंट करने के लिए, बट हम लोग का वीज़ा एंड मोमेंट में मतलब कैंसिल हो गया. उसके बाद फिर से हम लोग 2021 में हम लोग ऑनलाइन किया था. तभी कोरोना का वजह से हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा था, तो ऑनलाइन किया हम लोग इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप. तभी हम लोग सिल्वर आया. सिल्वर आके भी फिर हम लोग एच एच आई में रिप्रेजेंट भी किया था इंडिया को, मतलब ऑनलाइन बेसिस में. तभी हम लोग अमोंग 60 क्रूज हम लोग 20 प्लेस में आया था. तभी मतलब अंदर में एक ऐसा था कि हम लोग कर सकते हैं, जाके वर्ल्ड स्टेज में आराम से कर सकते हैं, बट वही सेम इशू फाइनेंशियल इशू था, क्योंकि फ्रॉम हियर टू यूएस इट्स टू एक्सपेंसिव, राइट. एंड आफ्टर डैट 2023 में फिर से हम लोगों ने क्वालिफायर्स किया. उसमें हम लोगों ने फिर गोल्ड आया. गोल्ड आके भी हम लोग जा नहीं पाए एक्चुअली, वो फाइनेंशियल रीज़न का वजह से. आफ्टर डैट हम लोगों ने 24 का प्लानिंग ऐसा था कि हम लोग को एडल्ट डिवीजन में हम लोग को परफॉर्म करना था विथ ऑल 6 मेंबर्स, बट ड्यू टू अगेन फाइनेंशियल रीज़न हम लोग को मेंबर्स कटअप करना पड़ा, 3 मेंबर्स का क्रू करना पड़ा. एंड देन हम लोगों ने वीज़ा के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी फेब में ही हम लोग अप्लाई कर चुका था, बट डेट्स नहीं मिल रहा था हम लोग अपॉइंटमेंट. तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पे करके फिर हम लोगों ने डेट्स लिया. फिर अभी सो वी आर गोइंग नाउ फॉर रिप्रेजेंट इंडिया. प्लीज शेयर समथिंग अबाउट योरसेल्फ. माय नेम इज होजित मेढी. मैंने डांस क्लास 7 to 8 से मतलब स्टार्ट किया था, और तब से अब तक मैं डांस कर रहा हूँ. और उसके बीच में मैंने MMA, आर्ट, तबला वो सब भी किया था, लेकिन वो सब मतलब इतना जमा नहीं. फिर मतलब मैंने लास्ट 2 ईयर्स बैक मतलब मैंने SSI में गया था, और वहाँ पे मतलब देखा कि डांस कैसा है, वो सब देखे मतलब अच्छा लगा, और मतलब एक्सपीरियंस था और नॉलेज भी मिला वहाँ से. और फिर वहाँ से आके मतलब पूरा लग गया मैंने. और फिर मतलब सर ने हम मोड़िका में मैं था, और वहाँ पे सर ने मतलब वर्कशॉप करने के लिए आया था. और फिर मतलब तभी मतलब मेरा हाथ हुआ था, तब मैं कर नहीं पाया. और तभी मतलब सर ने एक साल के बाद वहाँ से एक स्टोरी दिया था कि यूनियंस ऑफ यूनिटी में मतलब वो एक स्टोता ग्रुप है हम लोगों का यूनिटी वन का, और वहाँ का ऑडिशन चल रहा है. और फिर मैं रात को ही मैं मतलब वो सब देख के मैं सुबह डायरेक्ट गुवाहाटी में आके ऑडिशन दिया. फिर मतलब सर ने बोला कि रात को आपको रिजल्ट दे दूँगा. फिर हाँ, फिर घर में जाके मतलब रिजल्ट मिल गया कि मैं सिलेक्ट हूँ. और फिर नेक्स्ट डे ही मतलब गुवाहाटी में मैं शिफ्ट हो गया. शिफ्ट होते हुए मतलब वहाँ से ही मतलब पूरा स्टार्ट किया, और सर को लगा कि मैं कर सकता हूँ, और फिर ग्रुप में आ गया, और अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ. एक्चुअली मैंने डांस स्टार्ट किया था इन 2012, एंड स्टार्ट किया था मैंने क्लासिकल के साथ. क्लासिकल भी नहीं, तबला स्टार्ट हुआ था फिर क्लासिकल में. और उसके बाद जब क्लासिकल कर रहा था तो हमारे आसपास के जितने भी दोस्त, घर के सामने दोस्त रहते थे, हम लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया था. फिर वहाँ पे करते करते फिर इंडिया में जो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं इन 2012 में, उन लोगों का जो एक रियलिटी शो था, तो वहाँ पे वो लोगों ने बोला था कि ऐसा ऐसा एक स्टेज है वर्ल्ड चैम्पियनशिप. तो वो हम लोगों ने जब सुना, ऑब्वियसली टीवी में तो आता ही था पहले, जब सुना फिर यूट्यूब में जाके सर्च करना, फिर देखना, फिर जाके मतलब पूरा मेरा इंटरेस्ट क्लासिकल से इधर शिफ्ट हो गया. और फिर अभी कम से कम 11-12 ईयर्स हो गया मेरा डांस में. मैं अभी भी यहीं पे, और फाइनली मतलब जो सपना मैंने 2014 में देखा था अभी पूरा होने जा रहा है. तो होपफुली पूरा मतलब वो लेके भी आओ, कंप्लीट करो पूरा, वही अभी मोटिव है हमारा. थैंक यू.
Has your crew secured any sponsorship or any help from the government or any private companies like that? Honestly, मैं बोलने जाऊँ तो स्पॉन्सर हम लोगों को कोई किया नहीं है, ना गवर्नमेंट से ना प्राइवेट सेक्टर से. हम लोग बहुत मतलब कोशिश किया स्पॉन्सर मिलने का, क्योंकि यू नो यूएस इज टू एक्सपेंसिव राइट. सो सब ने चार चार पाँच पाँच लाख का लोन लेके हम लोग ये कर रहे हैं, जो भी मतलब जाना जाने का है. तो मेरा ऐसा अपील है, मतलब आसाम गवर्नमेंट से स्पेशली अपील है कि जितने भी आर्टिस्ट है सबको आई थिंक हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड स्टेज इज लाइक वो हम लोग सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं कर रहे, हम लोग पूरा इंडिया के लिए कर रहे हैं. नेक्स्ट मंथ को अगस्त के 3rd पे शायद कंपटीशन है, सो उसके लिए आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? प्रिपरेशन में बोलूँ तो अभी जो हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, ये हम लोगों ने एक रेडी किया था, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया. हम लोग ऑलरेडी मतलब सेट था कि हम लोग को नेक्स्ट ईयर रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग एक साल से इसके पीछे ही मतलब इसको ही मतलब हम लोग रिवाइज करते करते. बट इसमें क्या है कि हम लोग पहले 6 जन में करते थे वो चीज़, सेम चीज़ हम लोग तीनों को काट के अभी सिर्फ 3 जन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें शायद थोड़ा डिफरेंस आ सकता है. बट वी आर प्रिपेयर्ड, ऑनेस्टली वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द चैम्पियनशिप. बट बोल नहीं सकते कि अभी ये वर्ल्ड लेवल का है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स भी आते हैं वहाँ पे. मतलब वहाँ पे ऐसा भी क्रूज आएगा जो एक टाइम में हम लोग का इंस्पिरेशन था, जिसको देख के हम लोगों ने मतलब ये स्टार्ट किया था कि ये क्रू स्टार्ट किया था. एक ऐसा था कि उनको उन लोगों के साथ मिलना है, तो अभी सेम क्रू के साथ जाके मतलब कॉम्पीट करना इज़ लाइक ए वेरी मतलब ग्रेट थिंग फॉर अस. अगर हम लोग वहाँ जीतते भी नहीं तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि वो स्टेज ही ऐसा है, मतलब इंडिया में हर एक डांसर का ड्रीम होता है वो स्टेज में जाके परफॉर्म करना. इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपने ऐसा भी बोला कि वर्ल्ड लेवल पे है, डिफ़िकल्ट होगा, तो आपको क्या लगता है कि पॉसिबिलिटीज आपका कितना परसेंट हो सकता है, लाइक आपका अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप ये निकाल सकते हो? आपने ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा, बहुत हमको अच्छा लगा. एक्चुअली क्या होता है, जनरली क्या नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, डांस को रिलेटेड कोई पूछता नहीं. सो कॉन्फिडेंस मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं जस्ट कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अगर उधर गया मतलब हमको विदाउट मेडल ही हमको वापस नहीं आना है. ऑब्वियसली हमको मेडल लेके ही आना है, और हम लोग गोल्ड ही आएंगे, वो मैं मतलब बोल सकता हूँ. क्योंकि मतलब हम अपना मैं 100-200% हम लोग देने वाले प्रैक्टिस में हो या फिर परफॉर्मेंस में हो, सो अपना 100% रहेगा. आपने कहा कि एक टाइम पे आपका जो इंस्पिरेशन था उनके साथ अभी आप सेम फ्लोर पे रहोगे, उनके साथ कम्पीट करोगे, तो आपका ये डांस करियर पे मतलब कैसा रहता है, आप लोग का लाइक करियर कैसा परस्यू करना होता है? मतलब बहुत जन ऐसे भी है कि ड्रीम देखते हैं बट कर नहीं पाते ड्यू टू बजट्स एंड ऑल, सो इसमें करियर कैसा है डांस में? ओके, सो मैं अगर बोलने जाऊँ कि मतलब हम लोग ये करके सक्सेस है, तो छूट होगा, क्योंकि मैं वो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए, साउथ वी आर एवरीवन इज ए आर्टिस्ट राइट. सो एक आर्टिस्ट के लिए ना मतलब वो सक्सेस कभी होता नहीं. हम लोग का रहता है कि आज हम लोग एक लेवल पे है, कल हम लोग को दूसरा लेवल के में देखना है, परसों तीसरा में देखना है. तो मेरे लिए करियर वो है कि मतलब मैं जितना हो सके अपने आप को आगे मतलब देने वो करता हूँ. ठीक है, अभी डांस लाइन में ऐसा करियर बना सकते हो कि आप देखो अगर आप चला के सिर्फ मतलब अर्न करके अगर रहना है, सो यू कैन डू डैट. यू आप नॉर्मली भी वो कर सकते हो, कोई भी क्लास चला के आजकल मतलब पैसा वैसा कमाता है. अभी गुवाहाटी में आपको शायद पता नहीं होगा, लाइक बहुत सारे क्लासेस है जिनमें लेकिन नॉलेज अच्छा से दिया नहीं जाता है. बस वो क्या है कि मतलब खुद भी सिखाओ, बस फी आना चाहिए, स्टूडेंट आना चाहिए, वो चल रहा है. बट वो रियल थिंग वो है नहीं. मतलब मेरा मोटिव ऐसा है कि अगर हम अपना स्टूडेंट को आगे लेके जाना चाहता है, सबसे पहले हमको खुद उतना होना पड़ेगा, उस लेवल का होना पड़ेगा, तभी जाके मैं अपने स्टूडेंट को मैं दिखा सकूँगा. सपोज मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि ये मेरा स्टूडेंट था आज से 1 साल पहले, ये बहुत नीचे मतलब मोरेगांव में करता था, ऐसे नॉर्मली एक डांसर था, लेकिन इसने इधर आके सीखा तो मैं उसको ये प्लेटफॉर्म दे पाया. कि हमको पता था कि ये प्लेटफॉर्म में जाने से ये सुधर सकता है या फिर इसका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, आगे जाके और अचीव कर सकता है. तो वैसा ही है, अगर आप स्किल्सफुली अगर आगे लेना चाहो तो वो लाइन थोड़ा टफ है. ऑब्वियसली सक्सेस इतना जल्दी आपको हाथ में आता नहीं है. और हाँ, आप अगर हमको पूछ रहे हो कि कोई सक्सेस नहीं हो पाता है तो वो उसे छोड़ देते, ये बहुत बड़ा गलती है एक आर्टिस्ट के लिए. मतलब मेरा मानना ऐसा है कि अगर ड्रीम देखते हैं तो उसको पूरा करना ही है कैसे भी.
कैसे भी हो उसमें लगा रहना है, मतलब एक चीज़ में लगा रहना है। ऐसा नहीं है कि आज मैं इधर हूँ कल मैं उधर हूँ। मैंने जब ये मतलब सोचा था कि हमको हिप हॉप इंटरनेशनल करना है, आज से मिनिमम 10 to 11 years आगे हो कब रहा है 10 years बाद, तो वो 10 years का जो जर्नी है ना, वो मेरे लिए अप एंड डाउन बहुत ऐसा था। बट अभी जब मैं याद करता हूँ कि मैंने ये 10 years कैसे वो किया, लेकिन वो चीज़ एक मेमोरेबल मेरे लिए रह गया, एक एक्सपीरियंस रह गया। और मैंने बहुत जगह में बहुत स्टेज में मैंने एक्सपीरियंस लेके ही मैं मतलब वर्ल्ड लेवल के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। तो वैसा है, ऑब्वियसली एक डांसर के लिए अच्छा करियर है, ऐसा नहीं है कि डांस में करियर नहीं है, बहुत अच्छा। बट वो सही तरीके से अगर लेके जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर गलत तरीके से लेके जाए तो वो फिर बहुत गंदा भी है। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत होते हैं, मोटिवेशन डीमोटिवेशंस होते ही रहते हैं, ठीक है। तो आप अपने क्रू को कैसे होल्ड ऑन करके रखते हो इस टाइम पे, लाइक ऐसा क्रूशियल मोमेंट पे? एक्चुअली ये सिर्फ एक सिर्फ मेरा अपने का मतलब नहीं है, हम लोग का क्रू ऐसा है कि मतलब हम लोग हमेशा एक ही चीज़ के पीछे भागे हैं। मतलब हम लोग को सब बोलते थे कि तुम लोग रियलिटी शो क्यों नहीं ट्राई करता है, या फिर इधर क्यों नहीं करता है उधर क्यों। मेरा एम था कि पहले हम लोग इंटरनेशनल करेगा, उसके बाद ही हम लोग रियलिटी शो ये सब करेगा। तो जब भी वो ऐसा कुछ अप्स एंड डाउन्स मोमेंट ऐसा कुछ आता था, तो हम लोग सब एक दूसरे को मतलब बोलते थे कि एक ना एक दिन तो होने वाला है, तो उसके लिए रुकना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली वो स्ट्रगल तो मतलब इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस, तो वैसे ही है। और इन लोगों में भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन लोगों ने भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। आज इसी के लिए इन लोग के वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, मतलब 9 years का जर्नी हम लोग कंप्लीट किया। तो वो इन लोग के लिए बहुत मतलब बड़ा एक मेरे तरफ से बहुत बड़ा एक थैंक यू है, जितना भी मेरा क्रू मेम्बर्स है, क्योंकि वो लोग नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली मेरा कोरियोग्राफी का ऊपर ये लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये लोग ही नहीं रहेंगे तो मेरा कोरियोग्राफी किस काम का। तो दैट्स द थिंग। और हम लोगों में जैसे नाम हम लोग का यूनिटी वन है, वैसे हम लोगों में यूनिटी भी बहुत है। ऐसा नहीं हम लोग का झगड़ता नहीं है, हम लोग झगड़ते भी है लड़ते भी, लेकिन हम लोग एक साथ में रहते हैं। ऐसा अपने साइड से कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को, या कुछ मैसेज गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ? सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग अगर बोलते हो कि हिप हॉप हमारे इंडिया के कल्चर नहीं है, या फिर जो भी है इंडिया का कल्चर नहीं है तो हम लोग हेल्प नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल सबसे पहला बात, डांस एक अपने आप में एक अलग ही कल्चर है। सो आप लोग हेल्प कर सकते हो जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे कि हम लोग अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ऐसे ही तरीके से बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, उन लोग को हेल्प मिलता है। बट हम लोग को एक मतलब कुछ भी हेल्प नहीं मिला, कुछ भी नहीं, नॉट ए सिंगल पेनी। हम लोग हर एक चीज़ हम लोग खुद से किया है, मतलब हम लोग लोन लिया है बहुत जगह से, हम लोग मतलब इधर उधर से उधार लेके फिर हम लोग जा रहे हैं, ऐसा है। और ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेंटली हम लोग को बहुत जन सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आसाम से हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे आगे भी करते रहो, आप लोग ही वो मोटिवेट करते हो हम लोग को अचीवमेंट्स करने के लिए। सो दैट्स द थिंग। एंड और एक चीज़ है कि अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि कुछ भी चीज़ हम देखते हैं तो पूरा नहीं होता है, वो झूठ है। सपना हमेशा पूरा होता है, बस आपको उसके पीछे काम करना होगा। दैट्स द थिंग। थैंक यू सो मच।